नमस्कार, मैं हूँ राधिका। कंगना रनौत आजकल मणिकर्णिका को लेकर चर्चा में है, लेकिन ये चर्चा विवाद की वजह से ज्यादा है। कंगना वैसे भी ज्यादातर किसी न किसी विवाद में पड़ ही जाती हैं। हाल ही में खबर आई कि फिल्म में कंगना के अलावा सोनू सूद भी अहम किरदार में थे, लेकिन उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि कंगना के हाथों में डायरेक्शन की कमान जैसे ही आई उन्होंने सोनू का रोल छोटा कर दिया। इस वजह से दोनों के बीच काफी जुबानी जंग चली। सोनू ने जहां महिला कार्ड खेलने का कंगना पर आरोप लगाया, वहीं कंगना ने कहा कि सोनू महिला के डायरेक्शन में काम नहीं करना चाहते, इससे वो छोटे हो जाएंगे। इसी बीच अब कंगना को और फिल्म को एक और झटका दिया है इसके डायरेक्टर कृष ने। कहा जा रहा था कि कंगना को फिल्म के कुछ सीन्स पसंद नहीं आए, वो इन्हें फिर से शूट करना चाहती थी, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर कृष दूसरी फिल्म में बिजी हो गए, जिस वजह से कंगना ने डायरेक्टर की कमान अपने हाथों में ले ली। वहीं फिल्म के क्लिप बोर्ड पर भी डायरेक्टर के नाम के आगे कंगना रनौत लिखा गया है। सोर्सेज के मुताबिक कंगना को सिर्फ पैच वर्क सीन डायरेक्ट करने थे, लेकिन वो तो पूरी फिल्म की ही डायरेक्टर बन गई है। सुनने में तो ये भी आया कि कृष ने अब तक बेहतरीन तरीके से फिल्म को शूट किया था और सभी को लगा कि एक बेहतरीन फिल्म दर्शकों के सामने आएगी, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। वल कंगना की मनमर्जियों की वजह से फिल्म का बजट बढ़ता जा रहा है और फिल्म मुसीबत में पड़ती नजर आ रही है।